ऐप स्टोर में अगर आप कोई एप्पल आईडी से लॉगिन करते हैं उसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम कैसे स्किप कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मतलब आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिना आंसर दिए आप लॉगिन कर सकते हैं उस एप्पल आईडी से। तो यहाँ पर मैंने एप्पल आईडी और पासवर्ड डाल दिया, तो चलिए इसको साइन इन करते हैं। तो साइन इन हो चुका है, यहाँ पर एप्पल आईडी सिक्योरिटी लिखकर आ चुका है। आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते होंगे तो कुछ इस तरह से लिखकर आ जाता होगा आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो इसको हमें कर देना है बैक। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कंटिन्यू के नीचे लिखा है अदर ऑप्शंस, हमें इस पर क्लिक करना है। डू नॉट अपग्रेड पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी एप्पल आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप एप्पल आईडी लॉगिन कर सकते हैं बिना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।